दोस्तों, मैं नरेंद्र और आज हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के पूरे भारत के अंदर जानी पहचानी जगह जहां पर जूतियां मशहूर है भाई। इस जगह की तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरे साथ में यहां पर दुकान मालिक मौजूद हैं, यहां पर कारीगर मौजूद हैं, किस तरह से ये जूतियां बनाते हैं, कौन सा लेदर इधर काम किया जाता है, किस लेदर के अंदर ये जूतियाँ बनाते हैं, क्यों है यार इस इस्माइलपुर गाँव की जूतियाँ मशहूर होने का कारण, तमाम जानकारियां इस वीडियो के तहत देने वाला हूं। तो चलिएगा यहां पर हम जानकारी स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं जो हमारे भाई साहब हैं जूती को कितनी अच्छी तरीके से कारीगरी कर रहे हैं, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल देखो आप धार के साथ बिल्कुल इनको काटने का काम भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। यार कितनी शानदार फिनिशिंग, बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग के बाद देखो मैं करता हूँ, देखो कितनी हाथ से फिनिशिंग कर रहे हैं, मशीन की कोई कारीगरी नहीं है, बिल्कुल हाथ से आप देख सकते हैं। और इधर की तरफ देखते हैं तो यार भैया देखिएगा कपड़े की सी कटिंग करें, क्या काम आएगी भैया ये? थोड़ा अच्छा अच्छा इधर लगाएंगे साइड में, ये टाइट होते टाइट होते कड़ा बैठता नहीं। हाँ इधर लेदर के ऊपर चिपकाएंगे, अपर अपर का ऊपर का तैयार होता है अपर। अच्छा अपर के अंदर लगाया जाता है, अंदर लगाया जाता है। और यार इधर की तरफ देखिए तो भाई इस लेदर की कटिंग बड़े शानदार तरीके से की जा रही है भाई, बात करिए भैया से भी एक बार। जी भैया भी देखो कितने शानदार तरीके से कटिंग कर रहे हैं। भैया नाम बता दीजिए सबसे पहले अपना। सर मेरा नाम लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण दास जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गए कम से कम 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए, तभी आपके हाथ की कारीगरी इतनी निखर कर एकदम आ रही है कि आप बिना देखे भी बात हमसे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथ आपका जो बहुत ही शानदार चलता है। देखो ये सोल का काम है ये जी, लेकिन आप ये क्या तैयार कर रहे हैं फिलहाल, ये बेस तैयार हो रहा है क्या? हाँ जी हाँ जी, ये सोल तैयार हो रहा है जो नीचे वाला सोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तैयार होता है। हाँ जी, इसको फिर आपने क्या डबल लेयर में बनाया? हाँ जी डबल में, तो नीचे वाला हिस्सा ये भी चमड़ा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी चमड़ा होता है। मजबूत चीज है बिल्कुल जी, ऊपर नीचे होती है, मजबूती है, मजबूती होती है। हाँ जी, भैंस का होता है लेदर ये जी, बफेलो का लेदर ये होता है। हाँ जी बिल्कुल, और ये सोल के लगता है नीचे, ये सोल है जूती का, जूती का सोल, सोल अभी तैयार हुआ है। लेकिन इसको प्रोसेस में जो लगता है एक आदमी पूरा काम करता है या अलग अलग सभी का काम? अलग नहीं, सबका काम, अपर ये तैयार करता है जी, सिलाई वो करता है, सोल में करता हूँ जी, सब अलग अलग काम करते हैं। हाँ जी, तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि देखो दोस्तों यहाँ पे सभी ना अलग अलग काम में कर रहे हैं, क्योंकि जूती जो तैयार हमको जो तैयार बिल्कुल मिल जाती है ना दोस्तों, उसमें समय काफी लगता है और लोगों की जो मेहनत है ना, मेहनत काफी होती है। मेरे साथ भाई भी है, इनसे भी मैं जानता हूँ। सबसे पहले नाम बता दीजिए भाई अपना। मेरा नाम है जोगिंदर सर। जोगिंदर सर, कौन से जोगिंदर आप? वही तो जोगिंदर नहीं हो, थारा जोगिंदर? नहीं नहीं, वो थारा भाई जोगिंदर वही वाले हो? वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं इस, ये जैसे दो तरफ दोनों तरफ से मैं देखता हूँ, क्या कर रहे हैं ये दोनों तरफ? ये लेदर है, ये दोनों तरफ लेदर, दोनों तरफ लेदर, और ये पन्ना तैयार कर रहा हूँ मैं फिलहाल। मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कुमार है ना, कुमार जी पीठ पीठ के सीधा कर देता है, उसी तरह से देखिए जो पीठ पीठ के इसको चिपका रहे हैं ये पन्ना, ये नु करके पन्ना ऐसा हो जाएगा फिर ये। अच्छा ये तैयार हो गया। अच्छा ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। अच्छा इसमें जो ये सिलाई कर रही है ये हाथों से सिलाई? हाँ ये मशीन की सिलाई, हाथ से करी जाती है। अच्छा हाथ से ही की जाती है, कितनी फिनिशिंग है यार प्रदीप जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो ये फिनिशिंग है ना जो, देखो अब यहाँ पे इन्होंने चिपकाया है, अब ये तो मुझे पता नहीं, ये नीचे आप जो चिपकाने का काम करते, ये कोई क्या आता है? ये दूध आता है, पेड़ का दूध होता है, पेड़ का दूध होता है दोस्तों। देखो आपको आज तक नहीं पता होगा, लेकिन देखो पेड़ का दूध, यानी बिल्कुल नेचुरल चीज, हम इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर जूतियाँ तैयार की जा रही है। हम बात करें इधर की तरफ, मैं दिखा रहा था बफेलो, बफेलो वाला लेदर इन्होंने कटिंग कर करके, भाई साहब देख रहे हैं कि ये भाई साहब कटिंग कर रहे हैं, और भाई इधर की तरफ इन्होंने ये तलियां नीचे की तली बना रहे हैं, शॉल जी सॉल बना रहे हैं, और भाई ऊपर का जो अपर वाला काम है वो ये कर रहे हैं। लेकिन भैया आप जिसमें ये अपन एक सी बात फेविकोल वगैरह, फेविकिक वगैरह जो यूज करते हैं लोग जो चिपकाने के लिए, वो यूज नहीं करते हैं क्या? नहीं ये नहीं करते, वो थोड़ा कड़क रहता है, वो कड़क रहता है, ये टाइट हो जाएगा। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मजबूत जोड़ होता है, लेकिन आपके पास कुछ और भी ऐसा है क्या जिससे और भी मजबूत जोड़ हो जाता है लंबे समय? नहीं फिलहाल हम यही करते हैं यूज, ज्यादा करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का दूध यूज किया जाता है, प्योर नेचुरल तरीके से। ये इसका अलग पेड़ रहता है एक स्पेशल, जी जी उसमें से निकलता है, उसमें से निकलता है, और ये मतलब फेविकिक से भी अच्छा काम करता है। हाँ अच्छा बहुत अच्छा। इधर की तरफ देखें तो बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, क्या फिनिशिंग से काम किया जा रहा है,
यहाँ पर सामने देखें तो यार ऐसा लग रहा है पानी रखा हुआ है, पानी के साथ साथ धागा भी कुछ स्पेशल लग रहा है। देव जी बिल्कुल देखो इनकी जो हाथ की कारीगरी आप देखोगे ना, देखो आप ये बिल्कुल इनका ध्यान इतना मगन है कि इनको किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि देखो अपनी अपनी मेहनत का ही खा रहे हैं बिल्कुल, यानी अपन को ऐसा लगता है कि यार क्या बचता होगा, लेकिन देखो सिर्फ मेहनत है, जब मेहनत करते हैं ना तब दो पैसे बच पाते हैं। तली दिखाइए भैया, तली दिखाइए एक बार, क्या बात है भैया, देखो ऐसा लग रहा है यार क्या भाई, आपने 11-11 क्या लिख दिया, कोई कोड नंबर है क्या? हाँ जी ये साइज है। अच्छा साइज है, नंबर है, यानी 11 नंबर की जूती चलती है अपने पास। हाँ। यानी जैसे कोई अपना नया भाई है अपने यहाँ जूती लेता है लेकिन उसको नंबर का नहीं पता होता, तो जो बाजार में जूते वगैरह आते हैं चप्पल उन्हीं के हिसाब से नंबर है, कोई अलग होता है जूती का भाई ये, उसका अलग होता है, उसका अलग होता है थोड़ा सा इसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपसे कोई लेना चाहता है उसको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन से नंबर का उसके लिए सही रह सकता है? अच्छा वीडियो कॉल के जरिए इंच टेप से नाप देते हैं भाई जी। काफी बुजुर्ग है और कितने फास्टली काम कर रहे हैं यार। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं इनको भी, यदि मैं देखो ना, देखो इनका वैसे तो चश्मा चढ़ गया अंकल जी के, लेकिन देखो आंख का तौर अभी गया नहीं है, इतनी बिल्कुल बारीकी से जो काम होता है ना, क्योंकि इसमें ना अगर हल्का सा भी उल्टा सीधा हो गया ना तो भाई पूरा काम बिगड़ने ही वाला है, बिगड़ने वाला है। और यार ये जो हथियार देख रहे हैं ना जिससे ये बना रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब कितना पहना है, अगर जो जरा सी नजरों का चूक हो जाए तो हाथ में से पार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, हम तो इनका नाम नहीं जानते, मैं अंकल जी से खुद का नाम भी जानता हूँ, इस औजार का नाम भी जैसे हमारे दर्शकों को पता लग जाए होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले नाम बता दीजिए अंकल। नरेश। नरेश जी तो मुझे ये बता दीजिए नरेश जी, आप इतना काम कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो आप शुरू कितने साल से ये काम कर रहे हैं? होगा 25-30 साल। 25-30 साल का अनुभव आपके पास हो गया है, यानी जो भी आप जूती बनाने वाले उसमें कोई कमी तो रहने की गुंजाइश ना के बराबर होती है? नहीं जी। और जो आप ये औजार यूज करते हैं दिखा दीजिए एक बार, आप इसको क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर आर आर। अच्छा ये आर होता है? आर तो आर और पार कर देता है भाई, आर आर पार की लड़ाई करता है तो बिल्कुल। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप ये कौन सी लेदर लगाई हुई है इस जूती के अंदर जो ये लगा रहे हैं? ये सोक की लग रही है, सोक की लेदर, बफेलो। बफेलो जी, बफेलो और कैमल लेदर ज्यादा यूज करते हैं आप? लेकिन जो इसकी मैं कलर देख सकता हूँ, ये नेचुरल कलर ब्लैक होता है या फिर मतलब अपन को कलर करते हैं इसके? नहीं कलर आता है आगे से। जी कलर आता है। हाँ। यानी जैसा अपन मन चाहे कलर कर सकते हैं? हाँ जी। कलर उड़ता नहीं है बाद में? नहीं उड़े इसका कलर, उड़ता नहीं है बिल्कुल भी। और आपके और भी जूती बना ले, सब तरह की जूती बना लेते हैं आप? हाँ जी सब तरह। लेकिन फिर आप ये स्पेशल पर्सनल काम ही सीमने का करते हैं या फिर मतलब? मैं स्पेशली ही काम करता हूँ स्पेशल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हर जो आदमी है ना भाई, यहाँ पे देखो कमी रहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने ना अपना सिर्फ एक ही काम बिल्कुल फोकस के साथ करता है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ परचूनी की दुकान नहीं भाई, चाय भी मिलेगी चीनी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना भाई हर कोई आदमी ने अपना काम बांटा हुआ है और बिल्कुल पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ। अब यार भैया की तरफ देख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर ये मालिक मौजूद है जी। और यहाँ पे जो भाई है ना, भाई बिल्कुल फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ ऐसा औजार लग जाए जिससे ना जिसमें कोई जादू है कला है, क्योंकि देखो जैसे जैसे घिस रहे हैं ना भाई, सफेद कलर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन सफेद को ना लाल करने का काम कर रहे हैं भाई बिल्कुल। सबसे पहले मैं इनसे नाम जानना चाहता हूं भाई, नाम बता दीजिए अपना। सबसे पहले तो सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी मुकेश जी, तो मुकेश जी आपने तमाम यहाँ पर जूतियां रख रखी है, बड़ी शानदार तरीके से रख रखी है यार, ऐसा मन करता है कि सभी जूतियों को पहन लो यार मैं, लेकिन भाई जिस नाप की होगी उसी नाप के तो पहनूंगा। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे यार, बड़ी शानदार जूतियां लग रही है यार। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में ना इतनी शानदार देखो जूती है ना नहीं देखी है बिल्कुल, मैंने अभी तक जूती नहीं पहनी सही यकीन करना, लेकिन इन जूतियों को देखकर मेरा मन कर रहा है कि यार जूतियां मैंने पहन लूं मैं। यार अपन तो यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन जो अपने दर्शक गण हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पर भाई कैसी कैसी जूती बनाते हैं। भाई एक बार आपकी जूतियां दिखाते जाइए, बताते जाइए कौन कौन से स्टेट की जूतियां हैं। स्टेट तो ये लगा लो भाई साहब, जो सबसे ज्यादा मुंबई से लेके पूरी ऑल इंडिया में जो मेरे पास फोन आ रहे हैं और पसंद करने वाली जो जूती है जी वो ये डिजाइन है। क्या बात है, सबसे ज्यादा
और इसके बाद अच्छा ये जो जूती दिखाई आपने, जोड़ा उठाइए एक बार, जोड़ा जोड़े के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई देख सकते हैं यार क्या शानदार जूतियां है यार। फिनिशिंग देख रहे हैं आप, देखो कलर कॉम्बिनेशन देखिए यार, क्या कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो सर ये बताइए कौन सी जगह पहनी जाती है ये जूती? ये सर ये तो ऑल इंडिया में चल रही है। अच्छा जो मुंबई में जूती ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना जी, मुंबई में ये वाली और एक डिजाइन है ये वाला। क्या बात है, एक बार जोड़ा उठाइए आप जोड़ा, इसकी खासियत भी हम देखना चाहेंगे भाई। ये जो डिजाइन है ना ये मुंबई में काफी कोरियर कर चुका हूँ मैं। अच्छा हाँ काफी इसकी डिमांड है। अच्छा और जहां तक मैं जानता हूँ तो पूरे राजस्थान में जी ये जो डिजाइन है ये मैं ही बनाता हूँ। अच्छा पूरे राजस्थान में आप ही बनाते हैं इन जूतियों के अंदर? यार क्या कुछ खासियत ऐसी है इसके अंदर? नरेंद्र जी मैं बता देता हूँ, देखो ये जूतियां है ना, इसको जो नौजवान युवक है ना आजकल जी वो जूते के टाइप में बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, और यदि इसको आप चूड़ीदार पजामे के नीचे पहनते हैं ना भाई साहब जी एक नंबर की लुक आपकी लगने वाली है, तो इसी वजह से ये मुंबई में ना ज्यादा बिक रही है। यार ऐसा लगता है जैसे तो कोई मशीन से बनाई गई हो यार जी। लग तो मशीन से रहा है लेकिन ये तो भाई बता सकते हैं। देखो इसमें आप यदि देखोगे ना इसमें लेयर काफी है, देखो इधर से आप देख सकते हो ना इसमें लेयर काफी है, और आप भी समझते हो कोई भी चीज में लेयर देके बनाया जाता है ना तो मजबूत ज्यादा होती है। अच्छा आप एक बात बताइए क्या कारण है जो आप ही इस जूती को बनाते हैं, और इसके अंदर क्या खूबियां हैं यार जो इस जूती को खरीदी जाए? क्या है कि भाई साहब एक बार दिखाते रहिए, जो ये जूतियां है ना जी काफी जो डिजाइन थे वो बुजुर्गों के टाइम के थे, तो हमने सोचा कि यार कोई ऐसे नए डिजाइन बनाया जाए जिससे नौजवान साथी भी पहने है ना, और पहनावे के अनुसार ये जो जूती है ये सभी पहनावे पे इतनी गजब की जचती है, बढ़िया स्टैंडर्ड जी। चाहे आप जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनिए चाहे आपके जीन्स के ऊपर, और फिर ये क्या है चूड़ीदार पजामा, ये जो डिजाइन है ना इसमें ये मिल भी जाएगा पूरे भारत में कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन जो इसकी मजबूती है ना जो मजबूती हमने डाली है वो मैंने खुद ने ही डाली है इसमें, इसका जो ये सोल का लेयर है ना ये काफी मजबूत है। अच्छा हम बात करें यार इसके अंदर लेदर की, तो कौन सा लेदर यूज किया गया यार? इसमें लेदर है बफेलो का और अंदर का जो लेदर है वो गोट का है बकरे का। अच्छा हाँ क्या है कि जो ये पसीना सोख लेता है। अच्छा और वो अब सर्दी आने वाली है तो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जैसे सर्दियों में उंगलियां सूज जाती है, खारवा कहते हैं जैसे खुजली चलती है, तो वो बीमारी जड़ से खत्म करती है पसीना सोख लेती है। अच्छा पसीना सोख लेती है पसे आना पैरों में, अच्छा पसीने उंगलियां सूजना पैर फटना सारी बीमारियों का जड़ से ना। ये तो कहने का मतलब आपका ये होगा कि भाई एंटीबायोटिक टैबलेट है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से बंदों को प्रॉब्लम होती थी ये छाला कर देती थी। अच्छा लेकिन छाले थोड़ा सा हाँ छाला कर देती थी ये पहले जूतियाँ, इसकी वजह से ये जूती का जो काम था वो काफी कम हो गया था, तो हमने एक नया तरकीब निकाला है, ये पीछे से जूते टाइप में है, ये ना तो छाला करेगी, छाला करने का कोई चांस नहीं है, जिससे क्या है इसे कोई भी पहन सकता है कोई भी, यानी कंफर्टेबल होती है बिल्कुल पैर में, बिल्कुल सॉफ्ट, और ये लगा लो फेंकने को फेंक देंगे टूटने का कोई नाम ही नहीं, साल दो साल तीन साल मन भर जाएगा फेंक देंगे लेकिन टूटेगी नहीं फटेगी नहीं। यहाँ पर भाई मैं बात करूँ और अपन और जूतियों की, तो यार आपका माल कौन कौन से स्टेट के अंदर जा रहा है? मैं बात करूँ यार यहाँ पर मारवाड़ी जूती की तो काफी डिमांड होती होगी यार मारवाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दिखाइए वो भी यार। हमारे पास मारवाड़ी जूती देखो, ये देखो भाई क्या शानदार पीस है। ये जूती गुजरात और मुंबई में ये भी जूती बहुत पसंद है। अब कल ही कोरियर करके आया हूँ मैं गुजरात के लिए, एक ब्लैक वाला और एक ये टेन कलर, काफी जबरदस्त। यानी आप ऑल इंडिया में डिलीवरी कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल बिल्कुल ऑल इंडिया में। अच्छा भैया हम बात करें इसमें कलर कॉम्बिनेशन की, तो क्या और भी कलर है या कैसे? हाँ कलर ब्लैक है, टेन है, चॉकलेट कलर है, अच्छा वाइट है, सब तरह के कलर। जो मल्टी कलर चल रहा है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा जो कलर पसंद करने वाला है ना एक ये वाला। अच्छा, और एक ब्लैक कलर हाँ, और अच्छा, इन जूतियों में। अच्छा हम बात करें वहां पर मेरे को बड़ी सुंदर नजर आ रही है, बड़ी प्यारी सी जूती है वो व्हाइट कलर की, एक बार वो भी दिखाइए भैया किस तरह की। क्या बात है भाई, ये जूती मैंने स्पेशल एक मुंबई का है भाई उसके लिए स्पेशल बनाई है। अच्छा हाँ उसके लिए मैंने भेजी थी,
फिर उन्होंने 5 जूतियों का ऑर्डर किया है मुंबई में, तो भाई सफेद जूती वहाँ बहुत पसंद की जा रही है ये वाली। अच्छा, ये बॉम्बे के अंदर लोगों को पसंद आ रही है? हाँ, सफेद वाली। क्या बात है यार। तो इसके अंदर क्या है कि पुशनिंग है। अच्छा। हाँ, जो पैर को आराम देगी। जी, जी, ना छाला करेगी, आराम देगी, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी है। अच्छा, तो इसमें लेदर की यार मैं बात करूँ तो यार लेदर कौन सा यूज किया गया है इसके अंदर? इसमें लेदर भाई बफेलो गोट, बफेलो गोट, कैमल, इनका ही लेदर होता है। अच्छा, इन्हीं का लेदर होता है। फर्स्ट क्वालिटी का लेदर लगाते हैं हम, ये नहीं कि भाई थर्ड क्वालिटी का लेदर लगा और बंदे को लूट लिया, ऐसे नहीं। फर्स्ट क्वालिटी का लेदर लगता है, यानी कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्वालिटी में, मजबूती में कोई समझौता नहीं, और ना कोई ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं लगाते हम पूरे जूती में, एक भी कहीं भी ज्वाइंट नहीं है। अच्छा, कोई सी भी जूती ले लो, कोई सी भी जूती ले लो, उसमें ज्वाइंट नहीं लगाते किसी में भी। क्या बात है भाई। और जूतियां दिखाइए। और बड़ी मस्त मस्त जूतियां है, ये जूती देखो है, इनका जो देखो ब्लैक कलर है ना, अलग ही निखर के आ रहा है। इनका पॉलिश भी हो जाती है क्या भैया? हाँ, पॉलिश होती है इस पे। जी, पॉलिश हो जाती है, पॉलिश होती है, पुरानी हो गई। हाँ, पॉलिश करो, चमकाओ। अच्छा, इनकी वैलिडिटी की हम बात करें भैया, तो वैलिडिटी क्या कुछ है यार इनकी? वैलिडिटी मतलब कितने समय तक चलता है? समय तो भाई साहब मैंने पहले वीडियो में बता दिया ना कि इसे आप फेंक दोगे मन भर जाएगा, लेकिन टूटने वाली खासियत ही ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन है, इसमें रबर लगा हुआ है नीचे। अच्छा, ये हमने गुजरात वालों के कहने पर बनाया है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हम जहाँ रहते हैं ना तो पथरीली जमीन है। अच्छा, तो क्या है कि धागे वगैरह हम जूतियाँ लेते हैं, धागे कट जाते हैं, तो हमने ये 2000 रुपए में जूती गुजरात के लिए स्पेशल बनाई है, रबर लगा के। जितने भी दर्शक भाई को देख रहे हैं ना भाई, चाहे पथरीली जगह हो, चाहे बर्फीली जगह हो, हम बात करें यार रोड वाली जगह हो, तमाम यार तरह तरह की बना रहे हैं यार ये। लेकिन भाई से एक बात और पूछ लो, पानी से इसमें कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं, पानी से कोई नुकसान नहीं है भाई। ये तो है नहीं कि बंदा 2400 घंटे पानी में खड़ा रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर भीग भी जाती है पानी में तो उसे सुखाकर दोबारा पहन लो, वैसे सेम टू सेम वैसी है, कुछ बिगड़ने का नहीं है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, तमाम तरह की इनके पास जूतियां है, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन भाई इस वीडियो को है ना सभी से मेरा निवेदन है यार, ये जूती है ये हमारी दुकान की बनी हुई है, इसे जोधपुर चित्तौड़गढ़ वहाँ बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी राजस्थानी लोग ज्यादा पसंद, राजस्थानी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो जोधपुर की जूतियां प्रसिद्ध हैं, उनके तर्ज पर आपने कहीं ना कहीं जूतियां बनाई रखी है भाई? हाँ, क्या है कि वो जोधपुर साइड की जो जूतियां होती है ना, वो थोड़ा हार्ड होती है। हार्ड की वजह से पहनने में हम जैसे लोग, जैसे लोंडे टाइप के होते हैं, है ना, VIP आदमी होते हैं, तो क्या है कि वो उनके पैरों में छाला कर देती है। तो हमने क्या किया कि क्यों ना वही डिजाइन निकाला, उसी में डिजाइन निकाला जाए और सॉफ्ट में बनाया जाए। तो हमने उसके अंदर फोम डाला है, अंदर उसके ऊपर लेदर मिक्स किया है, तो आरामदायक है, मुलायम है और डिजाइन एक से एक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शादियों का सीजन बिल्कुल नजदीक आ रहा है, दीपावली के बाद शादियों का सीजन चल जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो भाई मैं भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई जो जोड़ा होता है, जोड़ा कपल्स के लिए इनको जूतियाँ बनाते हैं कि जैसे कोई शादी में अपना पहनना चाहे कपल्स के लिए सेम टू सेम जूतियाँ, तो वो भी आप तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑर्डर पर जैसे शेरवानी हो या शादी ब्याह में जैसी भी जूती चाहिए, बस आप हमें फोटो भेजिए, हम बना के आपको, यानी जैसे आपको सैंपल कोई दिखाएगा, जैसे बिल्कुल वैसे ही तैयार करके हम ऐसी ही जूती आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी भी जूती हो। अब ये वाली जूती है जी, ये फाजिलका से, पंजाब फाजिलका, हाँ, वहां से ये फोटो भेजा था कि हमें ये ऐसी जूती चाहिए, गोट लगा के उसमें, जी जी, ये गोट कहते हैं इसे, ये लगा के हमको ऐसी जूती चाहिए, पर भाई साहब वो हार्ड होती है, तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट में इसको, जो हमारे यहाँ पे जो जेन्युइन लेदर होता है फर्स्ट क्वालिटी का, उसमें बनाकर उसको तैयार करके भेज भी दिया। फिर उन्होंने मेरे को 4-5 जोड़ियों का और ऑर्डर दिया है, ये वाले होगा, यानी लोगों को इनका माल काफी पसंद आ रहा है नरेंद्र जी, ऑल इंडिया में। बिल्कुल जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा मुकेश जी, आप ये जूती जो बनाने का काम कर रहे हैं ना भाई, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, उन्होंने तो चप्पल नाम की कोई चीज देखी नहीं थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे जूती का जो मैं बात करता हूँ तो धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन आपने बताया कि मैंने नौजवानियों के लिए भी
नई जूती बनाने का काम किया है, तो आपने कोई लेडीज जूती भी बनाई है क्या? लड़कियों के लिए काम क्यों नहीं किया? क्या काम है? लेडीज जूतियाँ बनाते हैं पर जेंट्स का काम कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज जूतियों का क्या है कि भाई साहब सीधी सट बात है, एक लेडीज सप्ते में 15 जोड़ियाँ कपड़ा पहनती है और उनको 15 जोड़ियाँ सैंडल चप्पल चाहिए, है ना? तो उनको ऐसी ऐसे कहाँ चाहिए जो 3 साल तक चलती रहे। नहीं देखिए, आपने आजकल लड़कियों का क्रेज देखा होगा कि जो सूट सलवार के नीचे ना जूतियाँ ज्यादा पहनना पसंद करती है, और आपने फाजिल खान का नाम लिया पंजाब का, वहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही क्रेज चलता है। मैंने इसीलिए आपसे बोला यदि उनके लिए भी आप तैयार कर देना उनके लिए, तो हो सकता है कि वो भी दिल खुश हो जाए उनका भी। यूपी में 7-8 कोरियर लगाए हैं लेडीज जूतियों के बना के। अच्छा, वैसे आप बना ऑर्डर पे बनाते हैं? कोई मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया में कोई कैसा भी सैंपल भेजे हमारे पास, हम वो वही जूतियाँ बनाकर तैयार कर देंगे। अच्छा, सेम टू सेम आप जूतियाँ बना देते हैं। यदि मुकेश जी आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, हमारा कोई दर्शक है, व्यूअर जो है वो देखना चाहता है कि भाई मैं जूती बनवाना चाहता हूँ, तो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? क्या आपके संपर्क सूत्र हैं? सर हमारा नंबर है, नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। जी नंबर एक बार बता दीजिए आप, मोबाइल नंबर 6376-240-796। एक बार पुनः बताइए, 6376-240-796 ये मेरे फोन नंबर है। आप चाहो तो वीडियो कॉल के जरिए हमारा कारखाना देख सकते हैं जहां हम काम कर रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा देंगे, वीडियो कॉल के जरिए दिखा देंगे आपका माल ऑर्डर का कैसे तैयार हो रहा है, उसके भी हम वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। यहाँ मिलावटी सौदा कुछ नहीं है जी, और पैकिंग की भी आप फोटो भेज देंगे कि आपका माल बिल्कुल मैं चल रहा है कहाँ पे नहीं। पैकिंग कोरियर का पैकिंग करने जानकारियां आपने देख ली यार। यहाँ पर मैं बात करूँ मारवाड़ी जूती की, क्यों मुकेश जी मारवाड़ी जूती की मैं बात करूँ, और भाई साहब ने तो एक ऐसी शानदार जूती दिखाई यार मेरे को, मेरा दिल बाग बाग हो गया। वो दिखाना भाई जो कह रहे थे कि पहनते पहनते थक जाओगे लेकिन मन नहीं भरेगा, भाई ये देखो क्या जूती है यार। फिनिशिंग की मैं बात करूं इसकी, यानी कि क्वालिटी भी भाई प्योर लेदर तो है, लेकिन यार बनाने वाले का दिमाग देखिए, बनाने वाले भी यही बैठे हैं, इन्होंने ही अपने दिमाग से बनाई है। तो भाई तमाम जानकारियां आपको मिल गई है। यहां पर मैं वाइट कलर वाली जूती की बात करूं, भाई राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट क्या पूरे भारत के अंदर इनका माल सप्लाई हो रहा है, हर जगह ये माल भेज रहे हैं यार। आपको जैसी जूती चाहिए उस तरह का यार इनके पास फोटो सेंड करिएगा, उसी तरह की बना देंगे। और यार अगर जो आपके घर में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है शादी पार्टी का, तो भी यार इनसे बनवा सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और भाई भाई से संपर्क करना चाहते हैं ना, तो इनके नंबर मैंने डिस्प्ले पे शो कर दिए हैं, तो आप इनके पास कॉल करके तमाम जानकारियां ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए भाई आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इनका नाम मुकेश जी है। जय हिंद, वंदे मातरम।